नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बताते चले कि बुंदेलखंड में किसानों का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं अतिवृष्टि तो कहीं ओलावृष्टि तो कहीं सूखा वृष्टि, यह दर्द भरे रोग किसानों के खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। उसी के तहत आज जिले के किसानों ने शहर के प्रमुख चौराहों पर होते हुए प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन कर अपनी समस्याएं गिनाई। किसानों ने ललितपुर के तुवन के मैदान पर इकट्ठा होकर जुलूस ले जाकर सड़क को जाम किया और कलेक्ट्रेट का किया घेराव। वोट लेने के लिए जो नेता इन्हीं अन्नदाताओं की परिक्रमा लगात है, आज इस आंदोलन के दौरान पक्ष और विपक्ष का एक भी नेता अन्नदाताओं के साथ खड़ा नहीं दिखा, जिसकी लोगों को भारी कमी खली। प्रतीकात्मक रूप से कुछ देर को मंच पर जितेंद्र खटीक जरूर दिखे। किसानों की प्रमुख मांगे है कि जिले को अतिवृष्टि व देवी आपदा घोषित किया जाए और किसानों के सभी प्रकार के कर्जे को माफ किया जाए और जिले भर के सभी किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिलाया जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि जिले ट्रैक्टर एजेंसी मालिकों द्वारा किसानों का जमकर शोषण हो रहा है, उसे तुरंत रोका जाए। ज्ञापन में आरोप लगाया है कि जनपद के ट्रैक्टर एजेंसी मालिक बैंक में मैनेजरों से मिलकर किसानों के दो दो किसान क्रेडिट कार्ड बनवा कर ज्यादा धन वसूल कर रहे हैं, इसे रोका जाए। ट्रैक्टर एजेंसी वाले पहले किसानों को ट्रैक्टर दे देते हैं, फिर नाजायज धन वसूली के चक्कर में उनके साथ कमरे में बंद कर मारपीट भी की जाती है। इन मांगों को लेकर अपर जिलाधिकारी अनिल मिश्र को ज्ञापन सौंपा गया। आंदोलन के संयोजक हरदयाल सिंह लोधी एडवोकेट का कहना है कि यदि 15 दिन के अंदर किसानों को मुआवजा वितरित नहीं किया गया तो वे इससे भी बड़ा आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। आंदोलन को सफल बनाने में गजेंद्र सिंह बुंदेला प्रधान, अंकित पटेरिया, मुकेश करमरा, विवेक जैन, नरेंद्र सिंह राजपूत, शशिकांत लोधी, डॉक्टर जगपाल सिंह, हिमांशु राजा, धनीराम राजपूत, देवी सिंह, भरत सिंह, मोंटी शुक्ला आदि का विशेष सहयोग रहा। ललितपुर लाइव टीवी के लिए जिले के वरिष्ठ पत्रकार सुनील चौबे बुड़बार के साथ शिब्बू राठौर की यह रिपोर्ट। आज का आंदोलन जो हमारी उर्दा की फसल, तिली मूंग की फसल खत्म हो चुकी है, पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है, उसका हमारा माननीय जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध है कि वह पूर्ण रूप से 100% उसका मुआवजा दें। कोई रिपोर्ट की जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। 15 दिन से लगातार पानी बरस रहा है, इसी के उसमें हम लोगों ने ये आंदोलन किया है। सारे किसान यहां से चल के जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे कि हमें पूर्ण रूप से मुआवजा दिलाया जाए। अगर मुआवजा नहीं दिलाया जाता है तो 10-15 दिन के अंदर इससे बड़ा आंदोलन होगा और सड़कों पर हम लोग